बख्शी सनिमर फतेह कबूल करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सुबह दे दीवान दे विच सत्कार योग भाई साहब जी पासों आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। अज संडे एतवार दा विशेष दीवान जिस दे विच कुछ इतिहासक विचारा हन, क्योंकि इस हफ्ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी याद बरसी सी और कल श्री अकाल तख्त साहब का सिरजना दिवस सी, एस्टैबलिशमेंट डे सी। तो दोनों ही इतिहासक विचारा हन, तवारीख है, बाणी है, इतिहास है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जद गुरता गद्दी ते विराजमान होए हन ते उथे भाई साहब भाई गुरदास जी ने इबारत लिखी है उन्हों की महिमा च। वो कहते ने पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुरबारी अर्जन कायम पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी दल बंजन गुर सूरमा वड जोदा बहुपारी उपकारी। गुरु हरगोबिंद साहब दल बंजन वाले हैं, दुखियां नू सजावां देन वाले हैं, पारी गुरु हैं। ये सब कुछ दे बावजूद भाई गुरदास कहते ने दल बंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु भारी उपकारी। वो दया की मूर्ति हैं, करुणा की मूर्ति हैं, दया का सागर हैं। टू डैट इज ए स्ट्रिक्स्ट
intersections of the historical point of our Sixth Lord. Guru Hargobind Sahib Ji da guriyai te baithna ik kranti si. Karan shanti nu koi pujdeli na samajh le. Shanti nu koi kayarta na samajh le. Shanti nu koi मजबूरी ना समझ ले। मैं कई दफा अर्ज कीती है, हवा चलती है, पवन चलती है, पत्ते हिलते हैं, कोमल फुल हिलते हैं, शाखावां हिलदियां हैं, ते कई दफा हवा बड़ी तेज होवे ते समुंदर दियां लहरां भी हिलदियां हैं, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਠੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਮਲ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, सूक्ष्म चीजा ते है, कठोर ते नहीं है। पत्थर नू हलान लई पत्थर चाहिदा है, पत्थर नू मिटान लई पत्थर ही चाहिदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत एक शांति का सुनिया, शांति का पैगाम, एक शांति का मैसेज है। इस तो वड्डी शांति की हो सकती है कि कोई तत्ती तवी ते बैठ जाए, सीस दे उते तत्ती रेता भी पै जाए, ते वो रसना तो एको ही बोल कह रहा है, उलाहनो में कहूं न दियो मन मीठ तुहारो की, आ गया मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुहारो जियो। इस तो ज्यादा शांति की हो सकती है कि सीस दे तत्ती रेत भी पै रही है, ते ओ रसना तो बोल रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे। पर मैं फिर अर्ज करा, शांति नू कोई कमजोरी ना समझ लै, बुझदली ना समझ लै, मजबूरी ना समझ लै। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गुरियाई ते बैठे। सिख इतिहासकारा ने उन्हां दा चित्रण भी वर्णन किया है। आदरणीय ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, महान विद्वान, आलम फाजल, कदरदान, वो आपनूं गुरमत विचारा भी सुनांदे ने, इस अस्थान दे मुख ग्रंथी भी ने। इतिहास दे विच गुरबिलास पातशाही छेवीं, प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी की पुस्तक गुरपारी, उन्होंने जिक्र किया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी की परसनैलिटी बहुत ज़्यादा सी। एक अंग्रेजी का वर्ड है ना, इंप्रेसिव परसनैलिटी, बहुत वड्डा इकट्ठ है, बहुत वड्डी भीड़ है। तो गुस्ताखी माँ कोई बंदा ओवरवेट आ जाए तो अट्रैक्शन है, खिच है, पर लो वेट आ जाए तो भी अट्रैक्शन है। जिहदा बेचारे का कद काठ ही 2-2.5 फुट का हो, भी अट्रैक्शन का बिंदू बनता है, पर ओवर हाइट है ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਕਲਮਪੁਰ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਚਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਧੀ ਚੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹਾਈਟ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਮੰਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਮੰਗੋਲੀ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਬੀਰ ਛੱਟਮ ਬੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲ ਭੰਜਨ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁਗਲ ਮੰਗੋਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੰਗੋਲ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਦਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਗਰੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਮਬਖ਼ਤ। ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਖ਼ਤੇ ਤਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖ਼ਤੇ ਤਾਊਸ। ਤਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਊਸ ਮੋਰ ਨੂੰ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਇੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੰਕਾਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ,
धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं तीन तरह का माण तीन तरह का हंकार बंदे की मत मार देता है। केड़ा केड़ा साहब कहते हैं जोबन धन प्रभता के मद में एनस रहे दीवाना। जवानी का हंकार ताकत का हंकार ये भी बड़ा हंकार है। दूसरा धन का हंकार माया का हंकार मेरे को माया बड़ी है ये भी एक हंकार है। मेरे को पदार्थ बड़ा है आम तुसी कहावत सुनी होएगी कि माया धन बंदे दियाँ तीन हालत बना देता है। पता केड़ी केड़ी खिमा करना परसू परसा ते परसराम। जो बंदे को कुछ है ही नहीं मेरे वर्गे को ते सारे ही कहते नकम्मा ही आ किसी काम का ही नहीं है। गुस्ताखी माव माँ भी कहती है नखट्टू ही है किसी काम का नहीं। दूर क्यों जाओ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के भगत कबीर बैठे ने उन्हों की माँ ही कहती है उन्हों की माँ ही इस तरह के बोल कह रही है। कबीर की माँ पता की कहती है सुनो दराणी सुनो जठाणी अचर जेक बयो सात सू तीन मुंडिये कोय मुंडिया क्यों ना मोयो। ये मारी जाता चंगा कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं कोई व्यापार नहीं कोई परिवार की चिंता नहीं। हे मेरी ओ दराणियों हे मेरी ओ जठाणियों एक गल सुनो मैं बेनती करा मैं कहानी नहीं कह रहा बाणी है गुरु ग्रंथ साहब के बोल है। ओ दराणियों नू जठाणियों नू बुला के कहती है सुनो दराणी सुनो जठाणी अचरज एक बयो सात सू तीन मुंडिये खोए मुंडिया क्यों ना मोयो। वो कहती हो की गया है कोई काम नहीं धंधा नहीं व्यापार नहीं छोटी जी उपजीविका है खड्डी थोड़ी बहुती चलेगी ते खाना बनेगा भोजन बनेगा क्योंकि गुस्साखी माँ परिवार वाले तुसी भी हो परिवार वाले मैं ही हाँ ते परिवार नू चलाना कोई सौखा काम थोड़ी है। परिवार की परवरिश करनी कोई ईजी काम थोड़ी खास तौर पर अमेरिका वर्गी कंट्री यूरोप के मुल्क भी मैं देखा। एक औरत बेचारी मैनू मिली शायद जॉर्जिया च ओदियाँ लत्तां दे विच कोई बड़ी भारी ट्रबल मैं क्या की हो गया कहिंदी खलोता नहीं जाता। मैं क्या कारण गुस्साखी माव जो वो लफ्ज़ ना होंगे मैं कहना कहती मैं 15-16 साल खलो के जॉब की है खड़े हो गए वो डॉक्टर कहता वीन कमज़ोर हो गई है। परिवार नू चलाना कोई सौखा काम नहीं है बच्चों नू पालना कोई सौखा काम नहीं खास तौर पर एक मनुखी बच्चे की परवरिश करनी गुस्साखी माव सौखा काम नहीं है। पंछियों के बच्चे 2 महीने च इंडिपेंडेंट हो जाते हैं परिंदियां दे बच्चे 6 महीने च इंडिपेंडेंट हो जाते पर एक मनुखी बच्चा है 20 साल का हो गया कई दफ़ा माँ बाप कह देंदे अजे पैरों पर खड़ा नहीं होया अजे पैरों पर खलोता नहीं हुण 25 साल का तो हो गया है। उहदा कारण यह है परिवार नू चलाना बड़ा औखा काम है जिंदगी नू चलाना बड़ा औखा काम है कोई सौखा काम नहीं है। वो कबीर की जड़ी परिवार है वो कहते ने होया की है वो कहती ना कोई काम करता है खड्डी का कम खड्डी चलेगी तो परिवार चलेगा चलांदा ही नहीं है। वो दरअसल खड्डी नू चलाना बड़ा बरीक काम है सौखा काम नहीं है। तो कहती आओ उन्हू कबीर नू ही पूछ दे तू चलांदा क्यों नहीं। भगत कबीर जी महाराज कहते ने मैं खड्डी क्यों नहीं चलांदा क्योंकि खड्डी नू चलाने लई धागा चाहिए है ते धागे नाल चादरां बुनन लई
कपड़े नूं बुनन लई सूई चाहीदी है। मैं बेनती करा बोध भगत कबीर जी ने, तो मैं मुक्तसर अर्ज करा। श्री कबीर पता की कहिंदे ने, जब लग तागा बाहों बेणी, तब लग बिछरे राम सनेही। जदों मैं तागे नूं सूई दे विच पाना है ना, वह सूई का छिदर बड़ा जो है महीन है, जहीन है, बरीक है, मेरा ध्यान धागे च चला जाता है, राम विसर जाता है, भगवान विसर जाता है, शाम विसर जाता है, गोविंद विसर जाता है। जब लग तागा बाहों बेणी, तब लग बिछरे राम सनेही। वो राम बिछर जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, धन का हंकार जदों कुछ भी नहीं है, लोग भगतां नूं गल्लां बनांदे ने। धन दियां तीन अवस्थावां हन, जद कुछ भी नहीं है तो परसू है, निखट्टू है, थोड़ा जिहा आ गया, तो परसा है, थोड़ा जिहा होर आ गया, माया दे अंबार लागे परसराम है, श्रीमान है, आदरणीय है, महान है। पूजा बंदे दी थोड़ी है, गुस्सा की माफ धन दी पूजा है, माया दी पूजा है। कौन वड्डा, माया वड्याए। तो मैं अर्ज कर रहा सी, धन दा हंकार, माया दा हंकार, जोबन धन, ते तीसरा हंकार गुरु तेग बहादुर साहब पता की कहने ने, जोबन धन प्रभता के मद में, प्रभता दा हंकार, ये भी बड़ा हंकार। ते कई उस हंकार नूं पट्ठे भी पाते ने, चारा भी पाते ने। मैं बेनती करा, प्रबोध चंद्र नाटक एक बड़ा वड्डा ग्रंथ है, उहदे विच उन्होंने पंज विकारां दी गाथा लिखी है। तो मैं मुक्तसर अर्ज करा, जड़ा हंकार नूं चारा पाता है वह चंगा लगता है, वह मन नूं पौंदा है, पर जड़ा हंकार दे विच बाधा खड़ी करे वह बुरा लगता है। जड़ा कवे तेरे वर्गा चंगा ही कोई नहीं, तेरे वर्गा सरमोर ही कोई नहीं, तेरे तो उत्ते ही कोई नहीं, वह चंगा लगता है। ते जड़ा ये कवे तेरे वर्गा बदबख्त कोई नहीं, माड़ा कोई नहीं, गुस्ताखी माँ बुरा लगता है, जड़ा हंकार नूं चारा पाए वो मन नूं बौंदा है। जड़ा हंकार दे विच रोड़ा बने वो पत्थर लगता है, पहाड़ लगता है, अखां च रड़कदा है। उहदा पता कारण की है? हुणे आसा दी वार दा कीर्तन आपने सरवण कीता, उहदे च महाराज ने जिक्र कीता है, हंकार दा अपना एक सुभाव है, नेचर है। पंज विकार हन, पंजां विकारां दे विचों हंकार शिखर ते है। ते हंकार दा एक सुभाव है, किवें जिवें हर बंदे दा एक सुभाव है, हर बंदे दा एक नेचर है। जैसे दो भरा हन, उन्हां दे दो भरावां दी मां ते इक्को ही है, जीन ते इक्को ही है, पर नेचर अलग अलग है। मैं देखा एक ज़्यादा बोलदा, एक घट बोलदा, एक थोड़ा बोलदा, एक रिजर्व है, अलग अलग नेचर हो गए ना। हंकार दा एक सुभाव है कि हुणे आसा दी वार च तुसी सरवण कीता है, पता की सुभाव है? होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए। ओ अहंकारी बंदा हर उहदे एक्शन दे विचों हंकार नज़र आएगा, होमे नज़र आएगी। तो फिर कुछ सिपा सलाहकार, चापलूस, कुछ इस तरह दे मिल जाण तो गरस के मैं अर्ज करा, वो जहांगीर का हंकार बड़ा शिखर दे है, क्योंकि तख्ते ताउस ते बैठा है, उन्हें तख्ते ताउस नू बनाया आगरे दे विच। फिर आले दुआले सिपा सलाहकार ऐसे, सलाहकार ऐसे, उस दे हंकार ने, उस दी पैड़ी मत ने, धन गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, शहीदी हुई, उहदा फुल रिस्पोंसीबल, एब्सोल्यूटली रिस्पोंसीबल वकत दा हुकमरान जहांगीर है।
पर मैं फिर अर्ज करा शांति नू कोई कमजोरी ना समझ ले, बुझ दिली ना समझ ले, क्योंकि हवा चलती है तो पत्ते हिलते ने, कोमल फुल हिलते ने, कोमल शाखावां हिलदियां, पत्थर नहीं हिलदा। उस पत्थर नू हलाण लई धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने मीरी पीरी दियां तलवारां पहनियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। ओ जहांगीर दा एक ऑर्डर है, हुक्म है, पता कि कोई उच्चा तखत नहीं बना सकता। तखत, वैसे तखत जड़ा ना ये भी अरबी दा शब्द है तखत, उन्हें तख्ते ताउस बनाया, कोई उच्चा तखत नहीं बना सकता, कोई घोड़े दी सवारी नहीं कर सकता, कोई ढोल नहीं बजा सकता। ये सारे हुक्म ने जहांगीर वालों, क्योंकि उस वक्त जड़ा राजा है वो जो कह दवे वो कानून है, और कोई कानून नहीं है, जो राजे ने कह देता। यही कारण है कि किंगडम सिस्टम सारी दुनिया दे विच फेल हो गया, वो सारी दुनिया दे विच खत्म करीबन करीबन हो गया। इंग्लैंड दे विच किसे वेले किंगडम सिस्टम नहीं सी, उहदा नाम यूनाइटेड किंगडम अज भी है, पर वो भावें उत्थे राणी है क्वीन है, पर दरअसल ठीक है उहदा रिस्पैक्ट है, पर वो किंगडम सिस्टम इंग्लैंड तो चला गया, हिंदुस्तान तो चला गया, थाईलैंड तो चला गया, कंबोडिया तो चला गया, फिलीपाइन तो चला गया। सारे मुल्कां दे विच किंगडम सिस्टम सी, सारा भारत किंगडम सिस्टम दे विच सन। लोग राजियां नू भगवान मनदे सन, राजियां नू अवतार मनदे सन, राजियां नू गॉड मनदे सन। इत्थे सारा किंगडम सिस्टम ही सी। मेरा बड़ा लंबा समा श्री गुरु सिंह सभा थाईलैंड रहा, कथा करदे आ, मेरा ख्याल है थाईलैंड चों ते मैनू गया बड़ा समा हो गया। बड़ी जहीन ते बड़ी प्यारी उतों दी संगत, इत्थे जिहड़े वीर जी शैंटी जी आंदे भी उत्थे रहे ने पुराने समय च। ओ थाईलैंड दे तमाम लोकी राजे नू अज भी अवतारां वांगू मनदे ने, अज भी। महाराज ने इहदा बाणी च जिक्र भी कीता है, पता महाराज की कहिंदे ने, 10 अवतार राजे होए वरते। वो जिहड़े 10 वड्डे अवतार हन उहनां नूं लोक राजिआं दी तरां भगवान दी तरां पूजदे ने। 10 जिहड़े वड्डे अवतार है, श्री राम भी अयोध्या दे राजे ही सन, श्री कृष्ण भी द्वारकाधीश सन, राजे ही सन। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੈਕਨੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ये तमाम हुक्म आगरे तो वो फरियाद होए नाजल होए, उहदी इंप्लीमेंटेशन बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते चली। धन गुरु हरगोबिंद साहब गुरियाई ते बैठे, गुरता गद्दी ते विराजमान होए, मीरी पीरी दियां तलवारां महाराज ने पहनियां, ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त साहिब की सिरजना की थी। कल वो महान दिन सी, सिरजना दिवस, श्री अकाल तख्त। वो जहांगीर का हुक्म कोई 6 फुट तो उच्चा नहीं बना सकता, वो अकाल तख्त का जड़ा तख्त है वो 6 फुट तो उच्चा बनाया, अज भी तुसी देख सकते हो। फिर इत्थे ही बस नहीं, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਅਤੇ ਬਹੀਨ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਾਰੀਏ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ,
धन गुरु हरगोबिंद साहब आप नाल अगवाई कर रहे हैं। इत्थे ही बस नहीं, धन गुरु हरगोबिंद साहब के सपुत्र नाल लगे, पांच सपुत्र सन महाराज के, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी, तो धन गुरु तेग बहादुर साहब। गुरु हरगोबिंद साहब जी की सपुत्री बीबी रामू नाल लगी। गुरबिलास पातशाह छेवीं के करता ने लंबा चौड़ा इतिहास लिखा, गुरु परिवार लगे है। गुरु हरगोबिंद साहब दसदे ने इटा इत्थे लानी है, गारा इंज लाना है। तवारीख दे विच जिक्र है, किसी राज ना हाथ लगायो, बुढ़े और गुरदास बनायो। बाबा बुढ़ा जी लगते ने, भाई गुरदास लगते ने, मुखी सिख लगते ने। वो महान तखत वकत दे उस हुकमरान जिदा हंकार बड़ा सिरे चढ़िया होया है, जिदा हंकार बड़ा शिखर ते चढ़िया होया है। ते ये भी मैं एक बेनती कर दिया, शरीर का टैंपरेचर 98 तक रहे तो ठीक है, नॉर्मल है ना, पर 99 हो जाए तो गड़बड़ है। तो जे सीधा ही 103 तो पहुँच जाए, वो फर्क तो 2-4 का ही है ना, 98 तो 104 का ही फर्क पै गया ना, कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, 4 तो कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं, पर 104 तक टैंपरेचर पहुँच जाए तो बंदा चला गया घूमे च, बचना औखा है। हंकार एक चरम सीमा तो पार हो जाए तो मैं भी अर्ज करा निरंकार होने का दावा भी करता है, भगवान होने का भी दावा करता है। हंकारी किसी को समझता ही नहीं है, उन्हें कोई दिसदा ही नहीं है, वो अंधा होया पिया है। उहदे हंकार को निस तो नाबूद करन लई उन्हें तख्ते ताउस बनाया, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने श्री अकाल तख्त साहब बनाया, सिरजना की थी। जदों तख्त तैयार होया, बड़ा बेनजीर, बड़ा कमाल का तख्त। मैं फिर बेनती करा, तख्त कहिंदे ने दरअसल उच्ची जगह नूं जिथे राजा बैठता है, शहनशाह बैठता है। गुरबाणी दे विच महाराज ने अकाल पुरख के तखत की भी गल की है, वाहगुरु का भी तखत है, वड्डा तेरा तखत है, वो वड्डा तखत है, सरमोर तखत है, कई बार जिक्र आया ना। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस तखत का नाम तख्ते ताउस नहीं रखिया। थे ये भी मैं बेनती करा, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नाम हरगोबिंद तखत भी नहीं रखिया। वो आम तौर पर बंदा हुंदा ना, वो अपना घर बनांदा है तो कहिंदा मेरे नाम की नेम प्लेट बनाओ, वड्डी सारी मेरे नाम की नेम प्लेट लाओ, खुशी हुंदी ना हर बंदे नूं, प्रसन्नता है, मेरा घर है, नेम प्लेट लाओ। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वो तख्त का नाम हरगोबिंद तख्त भी नहीं रखिया, उहदा नाम रखिया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अकाल तख्त, वाहिगुरु के नाम से अकाल का तख्त है। मैं बेनती करा, पांच तख्त है ना, तो सब तो पहला तख्त ही अकाल तख्त है। वैसे जड़े पांच तख्त हैं, माणयोग ज्ञानी अमरजीत सिंह जी विद्वान सज्जन बैठे ने, उन्होंने चार तख्तों का संबंध कलगीधर पातशाह नाल है, गुरु गोबिंद सिंह जी नाल है, आनंदपुर साहब है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, पटना साहब, हजूर साहब, तलवंडी साबो की दमदमा साहब, वो जड़े चार तख्त हैं उन्होंने संबंध कलगीधर पातशाह नाल है। पर एक अकाल तख्त है जिहदा संबंध धन गुरु हरगोबिंद साहब नाल है, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नाम रखे है अकाल तख्त, अकाल का तख्त है। जब तक अकाल है उदों तक यह तख्त भी है, अकाल अमिट है, ये तख्त भी अमिट है। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी उस तख्त ते विराजमान होए हन, बैठे हन, ते महाराज ने हुक्म पता की कीता है। अज तिकर सिखां दे जड़े फैसले हन इस तख्त ते ही होणगे। छोटे छोटे कई फैसले है ना, घरां दे डोमैसटिक वायलेंस, डोमैसटिक प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इकनोमिकल प्रॉब्लम, कुछ एक तरह दी प्रॉब्लम है,
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਵਕਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਘੁੱਟਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੇਟ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਕਿਸ ਕੰਬਖਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਦ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਜੀ, ਤੀਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਚੌਥੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਘਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੁਲਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੁਲਕ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਘਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਯੌਕ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਕੀ ਸਮੇਟ ਕਰ, ਜਬ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਾ ਤੋ ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਈਆ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਖ਼ਤੇ ਤਾਊਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਜਨਮ ਹੈ, ਉਦਗਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ
कि सिख किधरे भी है राजनैतिक तौर पर धार्मिक तौर पर वो अकाल तख्त साहब नाल जुड़े। अज भी हर सिख का जड़ा सिर है वो अकाल तख्त साहब के अगे मुंतजम है, वो झुकया होया है। और असी श्री अकाल तख्त साहब नाल जुड़िए ताकि श्री अकाल तख्त के सिरजनहारे उन्हों बनाण वाले धन गुरु हरगोबिंद साहब दीयां खुशियां प्राप्त करिए। श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना ते श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते मैं, मेरी भावें उम्र छोटी है पर मैं वड्डे वड्डे झुकते देखे तो महाराजा रणजीत सिंह भी उत्थे झुके ने, उन्हां दी आपां बरसी मना रहे ना, वह भी उत्थे झुके। वो इमली अजे भी है, वो इमली का दरख्त अज भी है उत्थे, बाकी होर कोई दरख्त नहीं रहा, सामने लाची बेरी है। महाराजा रणजीत सिंह जैसे झुके, अज भी असी उस तख्त नूं नमस्कार करिए, गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में बेनती करिए ते उत्थों अगवाई लईए। अकाल तख्त साहब के सिरजना की आप सारिआं नूं हार्दिक वधाई शुभकामनावां। इतनी सेवा प्रवान करनी हुई बुलां दी खिमा, सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। गलबन ये गुरु घर जदों चर्च के विच सी, मैं उदों पहली दफा इत्थे आया ते हुण काफ़ी समा मैनू इत्थे आप दे चरण प्रसन्न दा मौका मिलिया है। मैं इत्थों दी सारी मैनेजमेंट दा और खास तौर पर मेरे वड्डे वीर हन, मेरा बड़ा मित्रां वांगू भरावां वांगू ध्यान रखिया, ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, बाई साहब बाई देव सिंह जी, इन्हां दा हार्दिक तौर पर मैं धन्यवादी हाँ। इस गुरु घर के मुख सेवादार प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह जी, उन्हां दी सिक्का साहब की एक कोशिश है क्योंकि भाई कुलदीप सिंह जी बैठे आए इस स्टेज पर, बड़े बड़े विद्वान आए हैं, बड़े बड़े चंगे कीर्तनी है। जदों मैं पहली बार इत्थे आया ना तो मैनू इन्हां ने, मेरा ख्याल है मैं इत्थे नहीं सी उदों आया, तो मैनू कहन लगे भाई साहब इत्थे उच्च कोटि दे कीर्तनी है, इत्थे हाजरी भर के कोई ऐसा जथा नहीं जिहड़ा इत्थे ना आया होवे। माणयोग मस्कीन साहब भी इत्थे आंदे सन, ये स्टेज की गरिमा है, महिमा है। सिक्का साहब बड़े पारखू आखते हैं तो परख के बकायदा चंगे चंगे जथे कीर्तन वाले लियांदे ने। मैं उन्हां दा इत्थों दी सारी संगत का हार्दिक तौर पर धन्यवादी हाँ। मेरे कोलों गुरमत विचारां करदे आ कोई गुस्ताखी होवे नज़रअंदाज करना, क्योंकि लंबा समा मैं सारे कोविड च गुरु नानक दरबार हाजरी भरी है, तो उतों के मुंतजिम भी मैं कहते असं तो कोई कथा वाला नहीं मानते, परिवार का मैंबर ही मानते हैं। इतों की सारी संगत ही मैं अजीज जान के प्यार दें दे। मेरे वीर जी सानी साहब कह लगे इतें ही रुको, वैसे मैं प्लैन रुकन की कर रहा हाँ क्योंकि मेरा परिवार भी आ गया, भाई साहब ने, देव सिंह जी ने, लंगर च सेवा करन वाले संतोख सिंह जी जो काफ़ी सेवा करते हैं, अमन जी, सारे स्टाफ का मैं हार्दिक तौर पर आभारी हाँ। फिर गुरु बाबा जदों बख्शिश करनगे आप दी जियारत होवेगी, अरदास करना गुरु पातशाह चढ़दी कला दी दात बख्शिश करे। मैं कोलों फिर कोई गुस्ताखी होवे नज़रअंदाज करना, क्योंकि गुरु घर दे कीर्तनीए मेरे परम मित्र महान कीर्तनीए भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी ने आप जी नूं कीर्तन सरवण कराना है। मैं सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवादी हाँ। भुल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।